हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम आपको गुलाब जामुन बनाना बताएंगे। तो आपको गुलाब जामुन बनाने के लिए इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि कौन सा इंग्रेडिएंट आपको कितनी कितनी क्वांटिटी में चाहिए। आपको 2 स्मॉल ग्लास शुगर चाहिए और 2 स्मॉल ग्लास वाटर चाहिए। याद रहे, आप जितना वाटर ले रहे हैं आपको उतनी ही शुगर लेनी है। और आपको 1 स्मॉल ग्लास मिल्क लेना है गुलाब जामुन का डो बनाने के लिए। और आपको 1 बॉल ऑयल लेना है गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए। 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर ले लेना है। तो अब आपको एक बड़ा बाउल ले लेना है और उसमें गुलाब जामुन मिक्स डाल लेना है। और उसमें आपको 1 स्मॉल ग्लास मिल्क ऐड कर देना है। धीरे धीरे से मिक्स करके उसका डो बना लेना है। आप देख सकते हैं हमारा डो रेडी हो चुका है। और आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट हुआ है। आपको भी डो इतना ही सॉफ्ट रखना है। आप देख सकते हैं हमने हमारे डो को 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है। आपको 1 पोर्शन में 10 बॉल्स बनाना है। हमने चाशनी तैयार करने के लिए एक बर्तन चढ़ा लिया है। अब आपको उसमें 2 स्मॉल ग्लास वाटर ऐड कर देना है और 2 स्मॉल ग्लास शुगर ऐड कर देना है। अब देख सकते हैं हम कैसे ऐड कर रहे हैं। और इलायची पाउडर उसमें ऐड कर देना है। आप देख सकते हैं हमने हमारे शक्कर, इलायची और पानी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आपको उसे 10 मिनट्स के लिए पका लेना है। तो आपकी चाशनी रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमने हमारे बॉल्स रेडी कर लिए हैं। आपको भी इसी तरह आपके बॉल्स रेडी कर लेना है। अब आपको गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए कढ़ाई चूल्हे पर रख देना है और उसमें अब ऑयल ऐड कर देना है। आप देख सकते हैं हमारा तेल रेडी हो चुका है फ्राई करने के लिए। अब आपको उसमें गुलाब जामुन के बॉल्स ऐड कर देना है। अब आपको वो गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। देखिए हमारे गुलाब जामुन के बॉल्स कितने अच्छे से फूल रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे गुलाब जामुन कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब आपको उन्हें निकाल लेना है। लेट भी दिख रही दो पोस्ट में। आप देख सकते हैं हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। आपके टेस्ट के हिसाब से उसमें शक्कर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको आपकी चाशनी में फ्राई करे हुए गुलाब जामुन ऐड कर लेना है। याद रखे, गरम गरम पर आपको ऐड नहीं करना है। हमने गुलाब जामुन और चाशनी को मिक्स करके 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब आप देख सकते हैं हमारे गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं। अब हम आपको डिश आउट करके बता देंगे। आप देख सकते हैं हमने इसे डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही सॉफ्ट है। ये बहुत ही इजी एंड टेस्टी रेसिपी है। आप भी ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। Bye!